हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद शाम आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 4.5 का अपना अगला पार्ट। तो इससे पहले हमने इसके कुछ पार्टों में इसके कुछ क्वेश्चनों को हम पढ़ चुके थे, तो यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा हुआ तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 से तो हमको एक आ भी दे दिया गया यहाँ पर ये, और उसके बाद हमसे कह रहा है यहाँ पर कि ए और बी ऐसी संख्याएँ ज्ञात कीजिए यदि यहाँ पर दे दिया ए स्क्वायर प्लस ए ए प्लस का बी आई इजिकल टू यहाँ पर 0। मतलब इनकी सहायता से हमको क्या करना है, यहाँ पर ए और बी यहाँ पर जो संख्याएं हैं उनको जो है उनकी वैल्यू हमको यहाँ पर ज्ञात करनी। तो ए कैपिटल जो लेटर में लिखा हुआ है ये तो हमारा आ बी ओ है, और जो स्मॉल ए है उसके बाद स्मॉल बी है, ये इनकी जो है वैल्यू हमको यहाँ पर ज्ञात करनी है कि ये संख्याएँ क्या हैं, मतलब इनका जो वैल्यू क्या आएगी। और आई तो हमारा क्या हो जाएगा, इकाई आ भी हो जाएगा। तो इनके सहायता से हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमें ए तो हमें मालूम है, आ भी ए की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या होगी, इकाई आ भी है। ए स्क्वायर की वैल्यू हमको नहीं यहाँ पर ज्ञात है, तो पहले ए स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, उसके बाद इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके यहाँ पर निकाला जा सकता है। तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर इजकल टू इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए। तो ए यहाँ पर कितना है 3, और उसके बाद 2 1 1, और फिर उसके बाद यहाँ पे ए क्या है 3 2 1 1, यहाँ पर ये दे दिया गया। तो हमको क्या करना है, इनका गुणा करना है। तो गुणा जब करेंगे यहाँ पर 3 तरह की यहाँ पर हो जाएगा 9, और इसका गुणा यहाँ पर तो 2 1 कम 2, और उसके बाद फिर यहाँ पर इस पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो यहाँ पे इसको लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा 3 2 6, और उसके बाद 2 1 कम यहाँ पर 2 हो गया। अब दूसरी वाला पंक्ति का इसी प्रकार से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 3 प्लस का यहाँ पर 1 1 कम यहाँ पर 1, और उसके बाद 1 2 2 प्लस का 1 1 कम 1। इतना तो आ गया हमारे पास। अब उसके बाद 9 2 मिलकर ये हो जाएंगे 11, और उसके बाद यहाँ पर हो जाए 6 2 मिलकर हो जाएगा 8, और 3 1 मिलकर हो जाएगा 4, और 2 1 मिलकर हो जाएंगे यहाँ पे 3। तो ये तो आ गई हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे इक्वेशन हमको यहाँ दी गई इसमें इक्वेशन में अगर हम पुट करते तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो ए स्क्वायर प्लस का ए ए प्लस का बी आई इजिकल टू 0। देखिए इसमें जब पुट करेंगे तो ए स्क्वायर के प्लेस पे ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे ये आ भी ये कितना आ गया 11, और उसके बाद यहाँ पर 8, और फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4 और 3, और फिर उसके बाद प्लस का ए, और ए के स्थान पे यहाँ पे ए आ बी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 2 1 1, और प्लस का बी आई आई के स्थान पर 1 0 0 1, और उसके बाद इजकल टू यहाँ पे 0 आप भी लिख सकते हैं या फिर 0 ही रहने दीजिए। तो अभी तो हम इसको 0 ही लिख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर बाद में यहाँ पे 0 आप भी रख दिया जाएगा। अब उसके बाद क्या करना, हमको ये 3 आव्यूह को जोड़ना, क्योंकि राइट हैंड साइड में 1 0 आप भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो इन तीनों को जोड़कर यहाँ पर इनका जो क्रम है उसी क्रम का हम 0 आव्यूह भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 0, उसके बाद 0, ऐसे यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो सबके जो है क्रम समान है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आव्यूह होगा यहाँ पर और राइट हैंड साइड के जो आव्यूह हैं इनके संगत अवयव की हम यहाँ पर तुलना कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 11 8, और उसके बाद 4 3, फिर इसके बाद ए का अंदर गुणा करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 3 ए, और इसके बाद 2 ए, ए का इसमें गुणा करते यहाँ पर ए, और प्लस का ये हमारा आ जाएगा इसमें बी का गुणा करेंगे तो हो जाएगा बी 0 0, और बी 1 कम कितना हो जाएगा यहाँ पर बी, और इजकल टू यहाँ पे 0 आ भी 0 0, और उसके बाद 0 यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इनको तीनों को हमको जोड़ना, देखिए यहाँ 11 यहाँ 3 है और यहाँ बी है, तो कितना आ जाएगा 11 प्लस का 3 ए प्लस का बी, इतना हो गया। इनको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 प्लस का 2 ए, और उसके बाद 0, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 4 प्लस का ए, और प्लस का यहाँ पे तो 0 है, और ये 3, और यहाँ कितना है प्लस का ए, और प्लस का ये बी, और ये तो यहाँ पर, और इजकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0 0 0 0, ये इतना आ गया। अब उसके बाद हमें कंपेयर करना, तो देखो इसको इसकी तुलना इनके साथ में हो जाएगी, इसकी तुलना इनके साथ में करेंगे, इसकी तुलना हम इनके साथ में करेंगे, इसकी तुलना इसके साथ में करेंगे, तो यहाँ पे हमारी 4 इक्वेशन बन जाएगी। तो हमें तो यहाँ पे ज्ञात करना सिर्फ ए और बी के जो है यहाँ पर वैल्यू ही निकालनी है। तो देखिए अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो 4 ए प्लस ए, अगर यहाँ पर इसको इसके इक्वल में लिख देते तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस का ए इजिकल टू 0, तो ए इजिकल टू आ जाएगा माइनस का यहाँ पर 4,
और इसको अगर इसके इक्वल की यहाँ पे छोटे इक्वेशन यहाँ पे हमको मिल रहा है, तो 3+ का a प्लस का भी a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अगर इनको इनके इक्वल में हम करेंगे तो 3+ का a प्लस का b इजिकल टू में 0, तो 3 a के प्लेस पे हम रख देंगे माइनस का 4 प्लस का b इजिकल टू में 0, और यहाँ कितना 4 में से 1 3 घटा देंगे बचेगा माइनस 1 प्लस का b इजिकल टू 0, तो b इजिकल टू आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 1। तो यहाँ पे a और b की तो वैल्यू यहाँ पर हमको ज्ञात हो गई है। अब यहाँ पे अपना आंसर हम चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे देखें, यहाँ पर अगर रखते हैं कितना मिलेगा यहाँ पर हमारे पास, तो ये हो जाएगा 3 और इसके बाद माइनस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस का हमारे पास 12, और इसके बाद 1 यहाँ पर रख देंगे b के प्लेस पर, तो 1 यहाँ पर, तो 11 और इसके बाद 1 ये 12, 12 में से 12 घट जाए कितना बचे 0, देखिए इसके सामने क्या लिखा है 0 लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये हमारा जो है सही है। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू, a की वैल्यू माइनस का 4 हो जाएगी और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 14 जो है कम्प्लीट हो जाता है। तो अगला नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ दे दिया 15 नंबर, ए आप भी यहाँ दे दिया, और उसके बाद कहे दर्शाइए कि ए क्यूब माइनस का 6 ए स्क्वायर प्लस का 5 ए प्लस का 11 आई इजकल टू 0। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम पहले लगवा भी चुके हैं। वहाँ पर क्या था, जो आव्यूह हमारा था वो कोटि 2 का आव्यूह था, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स हमको दे दी गई थी, और इसी प्रकार से हमको यहाँ पर सिद्ध करना, तो वहाँ पर हमने क्या किया था, ए स्क्वायर के प्लेस पर ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया था, ए के प्लेस पर ए की वैल्यू पुट कर दिया था, और उसके बाद आई के प्लेस पर आई की वैल्यू पुट कर दिया था, और उसके बाद जोड़ा था, तो जोड़ने पर राइट हैंड साइड के इक्वल में आ गया। तो इसी प्रकार से ये भी यहाँ पर लगाया जाएगा। अब देखिए ए क्यूब यहाँ दे दिया गया, ए स्क्वायर दे दिया, ए दे दिया, तो ए की हमको वैल्यू मालूम, आई के स्थान पे इकाई यहाँ भी रखा जाएगा कोट 3 का, और इसके बाद ए स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालना। ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर और इंटू में ए हो जाएगा, और उसके बाद ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी, तो ए की क्यूब की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर इंटू ए करके, ए स्क्वायर के प्लेस पर ए स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, और ए के प्लेस पर जो है यहाँ पर ए की वैल्यू रख देंगे, तो ये हमारे ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए इक्वल टू हमें दे दिया गया यहाँ पर, अभी ए इक्वल टू दे दिया गया है, और उसके बाद हमें यहाँ पर पूछ कह रहा था कि ए क्यूब माइनस का 6 ए स्क्वायर प्लस का 5 ए प्लस का 11 आई इजिकल टू 0। ये हमें क्या इनके लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या राइट हैंड साइड के इक्वल में है कि इक्वल में नहीं, तो इसकी जो है हमें यहाँ पर इसमें ए भी मालूम है आई भी मालूम है, ए स्क्वायर की वैल्यू हमको नहीं पता, तो हम क्या करेंगे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब ए स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा तो उसके बाद हम ए क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए इंटू ए करके, ऐसे लिखा जा सकता है। अब ए के स्थान पर ए आप भी हम रख देंगे, और उसके बाद दूसरे वाले ए के स्थान पर भी हम क्या करेंगे ए यहाँ पर रख दिया जाएगा। इन दोनों को हमें क्या करना, गुणा करना है, तो गुणा करना हमने बताया था कैसे गुणा करते हैं, तो यहाँ पर एक का गुणा इस एक में करें एक एक कम एक, इस एक का गुणा इस एक में करेंगे एक एक कम एक, इस एक का गुणा इस दो में करेंगे तो दो एक कम दो। अब ये पहले स्तंभ में हम गुणा कर रहे थे, तो ये सभी जोड़ कर लिखे जाएंगे। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे यहाँ पर इस पहली पंक्ति का गुणा हम यहाँ पर दूसरे स्तंभ करें, तो एक का गुणा यहाँ पर एक में करेंगे एक आ जाए, एक का गुणा दो में करेंगे दो आ जाएगा, और एक का गुणा माइनस एक में करें तो माइनस एक आ जाएगा। तो उसके बाद इसी प्रकार से हम इसी पहली पाली पंक्ति का गुणा हम यहाँ तीसरे स्तंभ में करेंगे, तो एक एक कम एक, और इसके बाद माइनस तीन एक का माइनस तीन, और एक का तीन में गुणा करें तीन एक कम तीन, तो ये यहाँ पर लिखा है। इसी प्रकार से इसका दूसरा स्तंभ भी करेंगे, उसके बाद तीसरा स्तंभ में भी गुणा कर लेंगे। अब आगे हमें क्या करना है, इनको जब जोड़ा जाएगा तो देखिए यहाँ पर एक प्लस दो कितना आ गया, चार आ गया, यहाँ पर एक से ये एक कैंसिल हो जाएगा बचेगा दो, दो यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लिया गया। तो ये तो हो गई हमारी क्या ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें ए क्यूब की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, तो ए क्यूब की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करें, जब ए स्क्वायर का अगर गुणा कर दिया जाए, ए में गुणा कर दिया जाए, तो ए क्यूब की वैल्यू आ जाए, तो ए स्क्वायर के स्थान पर हमें क्या रखना है, इस ए स्क्वायर के स्थान पर ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, और ए के स्थान पर हमको दिया ही था ए के रख देंगे। अब उसी प्रकार से इसका भी गुणा किया जाए, यहाँ भी इन दोनों गुणा करेंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर इनको दो चार और दो प्लस दो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़कर ये सभी वैल्यू लिख दी गई हैं। अब आगे तो ए क्यूब की वैल्यू आ गई, तो ए क्यूब के स्थान पर ये आप भी हम रख देंगे, ए स्क्वायर जो यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसके स्थान पर हम रख देंगे ये वाला रख देंगे,
तो ये रखने के बाद अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इसमें 6 का गुणा करना है, उसमें 5 का गुणा करना है, उसमें 11 का गुणा करना है, और उसके बाद इन सभी आव्ययों को जब हम जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर गुणा हो चुका है। तो आव्यय में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आगे 6 लिखा है तो आव्यय के अंदर जितने भी अवयव होंगे सब में गुणा होगा। जैसे 6 का 4 में गुणा करें, 6 का 2 में गुणा करें, 6 का 1 में गुणा करें, 6 का 3 में, 6 का 8 में, फिर 6 का 14 में, इसी प्रकार से यहाँ 5 का 1 में, 5 का 1 में, फिर 5 का 1 में, फिर 5 का 1 में, फिर 5 का 2 में, फिर 5 का -3 में, ऐसे गुणा कर लिया जाएगा तो हमको इतना प्राप्त होगा। अब ये सभी आप हमको जोड़ना, तो पहला वाला पहले में जुड़ जाएगा, ये ऐसे यहाँ पर जुड़ जाएंगे, और उसके बाद यहाँ दूसरा वाला अवयव में जुड़ जाएंगे, और उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा वाला अवयव तीसरे वाले में हमको यहाँ पर ऐसे जोड़ना है। तो ये जोड़कर ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर इसको लिख दिया गया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाए, ये यहाँ पर 11 प्लस 5 प्लस 8 ये 24, 24 से ये 24 सब कैंसिल हो जाएगा, ऐसे इसमें भी सब कैंसिल हो जाए, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाए, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें प्राप्त होगा एक शून्य आप भी यहाँ पर हमको प्राप्त होता। तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे तो हमारा ये राइट हैंड साइड आ गया। तो पहला नंबर जो कह रहा था हमें यहाँ पर कि दर्शाइए कि क्या करना था, ए क्यूब माइनस का 6 ए स्क्वायर प्लस का 5 ए प्लस 11 आई इजकल टू 0, हमको ये प्रूव करना था। यहाँ पर ये प्रूव हो जाएगा, मतलब शून्य आव्यूह आ गया, शून्य आव्यूह की वैल्यू होती है 0 होती है, तो 0 यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद हमें इसका ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी थी, तो ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों तरफ में जो यहाँ दिया गया इसमें दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा कर देंगे। तो ए इनवर्स से जब गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर ए क्यूब लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे तोड़ लिया गया, ए स्क्वायर को दो यहाँ तो ए इंटू ए करके लिख दिया गया, और इसके बाद यहाँ पर ए यहाँ पर लिखा है 11 आई यहाँ पर, इसका जब अंदर गुणा कर, देखिए यहाँ पर तो 0 लिखा, अगर इसमें ए इनवर्स का गुणा करेंगे तो हमको 0 ही प्राप्त होगा। तो ये सभी में इसमें पूरे में ए इनवर्स से गुणा कर दिया गया। अब ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो ये कैंसिल, ए स्क्वायर बचेगा सिर्फ इसमें, इसमें ये इनसे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए का जब ए इनवर्स में हम गुणा करते हैं तो ये क्या होता है, हमारा आई के इक्वल में होता है, तो आई के इक्वल में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें मालूम है कि आई इंटू ए इनवर्स इजिकल टू क्या होता है, ए इनवर्स होता है, तो ये इनवर्स आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर सॉल्व कर लिया गया। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये लिखा हुआ ऐसे। अब उसके बाद देखिए ये इसका जो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6 आई प्लस का 5 ए। अब उसके बाद ए स्क्वायर के स्थान पर ए स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, 6 से ए के स्थान 6 ए की, आई के स्थान इकाई आ भी हो, और ये ए इनवर्स से इसको उधर लेकर जाएँ तो माइनस, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ था कितना, माइनस का प्लस का 11 ए इनवर्स लिखा हुआ था, इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस में। अब ए बाकी सबकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, ए स्क्वायर ए की आई की, और उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट कर दिया गया, देखिए ये माइनस 11 यहाँ पर इनटू में था, ये अपान में आ जाएगा इनके सबके, और उसके बाद इनको जोड़ेंगे तो ये हमको इतना प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है 16 नंबर क्वेश्चन, तो जैसा कि अभी हमने आपको इसका जो है 15 नंबर क्वेश्चन समझाया था, उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी लगेगा। यहाँ पर आप भी ए दे दिया गया, उसके बाद कह रहा सत्यापित कीजिए, और यहाँ पर ये लाना है कि ए क्यूब के प्लेस वैल्यू रख के, ए स्क्वायर के प्लेस वैल्यू रख के, और उसके बाद ए के प्लेस पर वैल्यू रख के, आई के प्लेस वैल्यू रख के, जब इनको हम सॉल्व करेंगे, इनको जोड़ेंगे घटाएंगे, तो उसका मान कितना चाहिए, ये 0 आना चाहिए, मतलब एक शून्य आव्यूह हमको प्राप्त होना चाहिए। और अगर ये यहाँ पर जो है ये सत्यापित हो जाता है तो उसके बाद हमको यहाँ ज्ञात करना है ए इनवर्स। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसका 15 नंबर क्वेश्चन बताया था, उसी प्रकार से इसका 16 नंबर क्वेश्चन लगाया जाएगा। तो उसको ये वाला क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आपकी स्क्रीन पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 16 किस प्रकार से लगाया गया है, स्टेप बाय स्टेप लिखा लगाया गया है, और इसको समझ कर जो है इसका प्रयास करिएगा खुद से लगाने का। तो आइए अगला नंबर क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन दे दिया गया यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, यदि ए 3×3 कोट का वर्ग आव्यूह है तो यहाँ दे दिया मॉड एडजॉइंट ए का मान है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमको दे दिया गया यहाँ पर मॉड ए होगा, कि बी नंबर यहाँ पर मॉड ए स्क्वायर होगा, कि सी नंबर यहाँ पर मॉड ए क्यूब, या डी नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और मॉड यहाँ पर ए, यहाँ पे या डिटरमिनेंट भी इसको बोल सकते हैं, डिटरमिनेंट ए।
ये यहाँ पर इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा जो है सही होगा। तो एक हमारा आव्यूह जो है वो कोट तीन गुणे तीन क्रम का जो है तीन गुणे तीन कोट का एक वर्ग आव्यूह है। तो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर एडजॉइंट और उसके बाद ए की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू यहाँ पर हमको ज्ञात करना। पर हमें मालूम है कि हम जानते हैं के मॉड ऑफ एडजॉइंट ए और इजिकल टू, इसको लिखा जा सकता है यहाँ पर मॉड ऑफ ए और उसके बाद आई, यहाँ पे इस प्रकार से इसको जो है लिखा जा सकता है और इसके बाद इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर ए, इस प्रकार से कर सकते हैं। और इजिकल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर तो मॉड ऑफ ए और आई इकाई आप भी यहाँ पर तो इकाई आप भी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर वन और उसके बाद यहाँ पर जीरो 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 वन जीरो 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 उसके बाद वन, यहाँ पर इतना आ गया। अब देखिए ये आप भी इसका अंदर गुणा करते हैं तो गुणा करने पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ ए उसके बाद जीरो 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 उसके बाद मॉड ऑफ यहाँ पर आ जाएगा ए और उसके बाद यहाँ पर जीरो और उसके बाद जीरो जीरो और ये मॉड ऑफ ए, ये इतना आ गया यहाँ पर। अब इसकी अगर हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मॉड नहीं लगाना है, यहाँ पर ब्रैकेट आपको लगाना था, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ये ए और इसके बाद मॉड ऑफ ए और इसके बाद यहाँ पर एडजॉइंट ए और इसके बाद मॉड ऑफ यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा। अब अगर इसकी डिटर्मिनेंट हम की वैल्यू निकालते हैं कितनी हो जाएगी इसका डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा एडजॉइंट ए और उसके बाद यहाँ पर मॉड ऑफ यहाँ पर ए, ऐसे इसको लिखा जा सकता है और ये हो जाएगा यहाँ पर मॉड ऑफ ए और उसके बाद जीरो 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 मॉड ऑफ ए, यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ जीरो और ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए और इसके बाद डिटर्मिनेंट ए। यहाँ पर देखिए आव्यूह क्या होता है, जब किसी संख्या का हम गुणा करते हैं तो आव्यूह के अंदर जितनी भी संख्याएँ होती हैं जितने भी अव्यय होते हैं सब में गुणा होता है। और डिटर्मिनेंट क्या होता है कि जैसे यहाँ पर मॉड लगा हुआ है यहाँ पर, तो जैसे हम किसी में गुणा करते हैं तो किसी एक पंक्ति में होता है गुणा या तो किसी एक स्तंभ से गुणा होता है। तो यहाँ पहली पंक्ति में देखिए हमको क्या मिल रहा है कामन, यहाँ पर मॉड ऑफ ए कामन मिल रहा है, यहाँ से कितना मिल रहा है मॉड ऑफ ए कामन मिल रहा है और यहाँ से कितना मिल रहा है यहाँ पर मॉड ऑफ ए कामन मिल रहा है। तो अगर इसको हम बाहर निकालते हैं तो बाहर निकालने पर कितना आ जाएगा ये जॉइंट ए और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा मॉड ऑफ ए, ये इजिकल टू में आ जाएगा यहाँ पर, देखिए एक यहाँ से निकल आएगा एक यहाँ से निकल आएगा यहाँ पर एक निकल, पहले यहाँ पर आव्यूह था तो आव्यूह जब गुणा किया था तो सभी अव्यय गुणा हुआ था, अब ये डिटर्मिनेंट यहाँ पर फॉर्म में हो गया। तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो एक पहली पंक्ति से एक निकल आएगा, दूसरी पंक्ति से एक निकल आएगा और तीसरी पंक्ति से एक निकल आएगा, तो कितने हो जाएंगे ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए क्यूब और इसके बाद यहाँ देखिए क्या बचेगा, अब तो यहाँ बचा वन उसके बाद जीरो जीरो ये जीरो वन जीरो 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 वन, यहाँ पर ये इस प्रकार से बचता है। और उसके बाद हमें मालूम है कि ये जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर मॉड ऑफ एडजॉइंट और उसके बाद ए, इसको जो है अलग अलग करेंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा यहाँ पर, देखिए ये होता है फार्मूला एडजॉइंट और इसके बाद ए और इसका मॉड ऑफ ए, इस प्रकार से लिखा है तो इसको क्या कर सकते हैं अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा मॉड ऑफ एडजॉइंट ए अलग हो जाएगा और ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए अलग हो जाएगा। और इजिकल टू में यहाँ क्या बचा, तो ये तो हो गया हमारा मॉड ऑफ ए का होल क्यूब और ये क्या आ गया हमारा एक इकाई आप भी आ गया, तो देखिए एक से एक कैंसिल हो जाए तो कितना बचेगा यहाँ पर एडजॉइंट ए और इजिकल टू में बचा यहाँ पर मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर उसके बाद आई बचा हुआ है, तो एडजॉइंट ए इजिकल टू ये तो इकाई है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू होती है वन, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा यहाँ पर मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है जो ऑप्शन नंबर बी हमारा है, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रकार से करेक्ट हो जाए। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दे दिया गया 18वां नंबर, क्या कह रहा है कि यदि ए कोट दो का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो ए आव्यूह क्या हमारा कोट दो का एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह मतलब ए इनवर्स है और इसके बाद है, तो यहाँ डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर है किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन हमको यहाँ दे दिए 18वां नंबर का क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमको दे दिया गया डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पर ए और उसके बाद बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमको दे दिया गया है कि वन अपान डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा यहाँ पर ए और उसके बाद सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर वन और उसके बाद डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर कि जीरो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर। तो हमारा क्या दे दिया गया यहाँ पर कि ए यहाँ पर कोट दो का आव्यूह ए जो है हमारा कोट दो का जो है एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह, तो देखिए हमें मालूम है कि हम जानते हैं
क्या के मॉड ऑफ ए और ए इनवर्स इजिकल टू क्या होता हमारा आई होता है, ऐसे इसको लिखा जा सकता है, या कि ए ए इनवर्स इजिकल टू कितना होता है आई होता है। ए का जब ए इनवर्स मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आता था, उसकी वैल्यू आती थी यहाँ पर एक। अब इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट निकालने पर वो क्या होगा हमारा आई के इक्वल में होगा, क्योंकि इसकी तो वैल्यू इकाई, ये हमारा क्या है इकाई आव्यूह। अगर इसका हम यहाँ पर सारणी का मान यहाँ पर ज्ञात करते हैं तब भी कितना आएगा एक ही आएगा यहाँ पर, तो ये हो गया। अब इसको क्या लिखा जा सकता, इसको ऐसे लिखा जा सकता है मॉड ऑफ ए और उसके बाद मॉड ऑफ ए इनवर्स इजिकल टू हो जाएगा यहाँ पर आई, ये हो जाएगा। या फिर आई के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं वन भी लिखा जा सकता है। अब हमें यहाँ पूछ रहा था कि डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर है, ये यहाँ पर मतलब इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इजिकल टू, देखिए ये इनटू में है, ये कहाँ चला जाएगा अपान में, तो वन अपान हो जाएगा मॉड ऑफ ए, ये इतना हो गया। और यहाँ पर चाहे ये मॉड लगाइए या फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इजिकल टू वन अपान डिटर्मिनेंट ऑफ, ये हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, तो ऐसे इसको लिखा जा सकता है। तो ये डिटर्मिनेंट ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी वन अपान, कितना हो जाएगा वन अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें भी जो बी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारी एक्सरसाइज 4.5 जो है कम्प्लीट होती है। तो हम जल्द ही अपने अगले जो एक्सरसाइज के साथ उपस्थित होंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।